हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का ऑनेस्ट मुझे। दोस्तों कल जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ वही मनोवर और अपना मनारा लगे हुए थे आपस में डिस्कस करने। मनारा आपको पता ही है, नाराज भी पड़ी है क्या सबसे। मनोवर भी कभी उससे नाराज होता है, कभी उससे मना जाता है, यही चक्कर में रहते हैं। यहाँ पे खानजादी और मनोवर मनारा का भी क्लैश चल रहा है हल्का हल्का, वो फिर बड़े डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे कहती तू ऐसे कहती है, मैं तो कभी जोक क्रैक करती हूँ तुझे पसंद नहीं आते, कहती हूँ तुम इसे बात ही मत कर, मैं तेरे बात नहीं करने जाती। दोनों अपने अपना रो लग जाती है, दोनों रोने लग जाती है। एक्चुअली किया कि दोनों की दोस्ती भी अच्छी है और वो चाहते भी नहीं करें, और बीच में उनके पंगे भी ले जा रहे हैं। वो आधे सदस्य घर वालों के अपना मनारा को समझा रहे होते हैं, नहीं मनारा ये है वो है, तो रो मत, और आधे लगे होते हैं खानजादी के ऊपर। अब यहाँ पे अंकिता को मौका मिल जाता है, खानजादी मनारा से दूर हो चुकी होती है, तो अंकिता अपना वहाँ पलटा फेंक रही होती है, नहीं तू मत कर, तू टेंशन मत ले, वो है ही ऐसी, मैंने कल उसको क्या बोला था, कुछ भी नहीं बोला था, वो अपना मजे ले लेगी। ये भी अपने खानजादी को अपनी साइड करने लगी हुई थी, वो उस चीज़ को लेके चल रही थी कि भाई ये अब इससे नहीं आ रही तो मैं इनको अपनी साइड ले लेती हूँ। तो यही कल चीज चलती रही। बस उसके बाद वही विक्की हर एक के पास जाता रहता है, यही चीज़ अंकिता को पसंद नहीं है। अंकिता नीचड़ों की तरह लगी रहती है, तू विक्की मेरे पास नहीं आता, तू मेरा कहना नहीं मानता, जब मुझे जरूरत होती है मुझे नहीं आता, मतलब यही एक रट लगाए रखती है अंकिता। अंकिता बहुत मतलब उसको लगता है भी तू किसी दूसरी लड़की से बातें क्यों कर रहा है। विक्की पूरा फ्लटवाज, वो हर एक से मजे लेता है, हर एक पपीता खिला ये खिला वो खिला, वो फिर अंकिता में बरसता रहता है भाई तू चाहती क्या, तेरे पीछे घूमता रहूँ क्या करूँ, तू क्या नहीं चाह रही, मुझे समझ नहीं आ रही तू बोलना क्या चाहती है, मैं तेरे बात तो बात क्या करती है, तू तेरे को जो भी आता है तभी तो जो भी तेरे पास आता है वो तो 10 बार सुना के चल जाता है, दूसरा जो बंदा भी आता है तो क्यों नहीं समझती बात को, अच्छी खासी बहस हो जाती है। दूसरा आजकल नील और अभिषेक की भी बहस करती रहती है, तू तेज मत बोल, मैं आराम से समझा रहा हूँ, तू ऐसा मत बोल, तू क्यों बोल रही है वगैरह, तू क्या कर रही है, तू अपना खेल मुझे अपना खेल ले रहे, तो उन दोनों में भी ये क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों जोड़ियाँ जो अंदर आई हैं, जो कि सोचा था इन्होंने कि हम मिलकर खेलेंगे, आपस में क्लैश होते नजर आ रहे हैं। अब बिग बॉस को भी क्या है, देखा जाए तो बिग बॉस में 2 हफ्ते होने पूरे होने वाले हैं, कोई भी इसके अंदर अभी तक टास्क नहीं करवाया है। अब टास्क भी नहीं कराया, कोई घर का कैप्टन भी नहीं है, तो बिग बॉस ने एक छोटा सा टास्क दे दिया, अभी ठीक है अभी वो करते हैं, क्या कहते हैं रैप करते हैं खानसादी को, और अपना जो नवेद था उसको बना दिया गया 2 सदस्य की जो रैप करेंगे, और इसमें जो जीतेगा उसको रैपर मिल जाएगा। बस वो आधा घंटे का टाइम दे दिया, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रैक्टिस करी, रैप कर दिया दोनों ने, वही देख दाख के सब घरों से पूछा, यहाँ पे नवेद को जिता दिया गया, उसको हैम्पर मिल गया, बस यहाँ पे रैप खत्म हो गया। ये छोटा सा टास्क कल एक परफॉर्म करवाया गया बिग बॉस के द्वारा। अब काम तो कोई है नहीं है, किचन में काम चल ही जा रहा है। यहाँ पे कल सोनिया और अपना जो सना थी वो वापस बढ़ गई, तेरी लैंग्वेज ऐसी है, तू ये है, तू बदतमीज है, तू ये है, वो अननेसेसरी, कोई ज़्यादा कोई बातचीत नहीं थी, कोई दूसरी नहीं थी, पता नहीं समझ नहीं आई ये दोनों आपस में क्यों लड़ पड़ी। वहाँ से अपना अंकिता, अब अंकिता को हर चीज़ का मौका चाहिए होता है, अंकिता भी लगी कहती है ये ना बड़ चिढ़ती है वो अपना मनारा मनोवर के साथ चल रहा या वो चल रहा, तो चंडे हो जाती है या उससे कोई बात भी करने लग जाए, तो वहाँ पे अपना अभिषेक भी खड़ा होता है, कहती है अगर उसको चढ़ा दो ना बोल दो एक बारी कि तू तो परिणीति चोपड़ा की बहन लगती है, तो बस वो चिढ़ जाएगी, उसे ट्रिगर हो जाएगा ये वो है। वहाँ पे अभिषेक इस बात को पकड़ लेता है, कहता है ये बात है चल ठीक है मैं देखता हूँ। अब गाड़ी में सारे बैठ के हंसमजाक कर रहे होते हैं, कोई जिसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे अभिषेक आगे एक जैसे कहते हैं कि पंगा ले लेता है, बोलता है अपना मनारा तू तो साइड से पूरी परिणीति लग रही है, कह रही हाँ ये अच्छा तू परिणीति की कजन है ये है वो है, बस वहाँ पे मनारा तुझे कहने की जरूरत क्या थी ये वो थी, अभी वो भड़कती है, यहीं पे कल बिग बॉस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था कल का एपिसोड, आज जो एपिसोड आएगा, आज विकेट का वार क्यों आएगा, आज फ्राइडे और सैटरडे विकेट का वार आएगा, क्योंकि इस बार सलमान भाई फ्राइडे और सैटरडे आएंगे, संडे नहीं आएंगे, तो आज ही विकेट का वार स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वही परिणीति का जो झगड़ा चल रहा है, जो बोल के परिणीति बोला गया था अभिषेक के द्वारा अपना मनारा को, तो ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सलमान भाई आते ही सबसे पहले अभिषेक की क्लास ले लेंगे, भाई तू कैसा फ़ैन है मेरा, तू कह रहा मैं तेरा फ़ैन हूँ, ऐसा फ़ैन है तो बाहर जूते पड़ेंगे तेरे को, और तूने क्या है तुझे लगा रखा है परिणीति चोपड़ा है ये वो सिस्टर साइड से देखो, तो भाई क्यों उसकी अच्छी खासी क्लास ले लेंगे। उसके बाद विक्की क्लास भी तगड़ी ली जाएगी, क्योंकि विक्की जब भी अंकिता के साथ बैठता है लड़ाई करता है तो वो बहुत ज़्यादा लड़ता है, और विक्की एक बात ये भी बोल चुका था इसे पैसा किसी लड़की से बात करते हुए इसे पैसा दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, शौहरत दे रखी है, और क्या दे दूँ उसको मैं, तो बस इसके ऊपर जो सलमान भाई विक्की क्लास लेंगे वो भी देखने लायक होगी आज। ओके दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम बिग बॉस को ऑनेस्ट व्यू लेके। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए माया परिकट।